सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्फाइटिंग। और गाइस, आज की स्टूडियो में करने वाले फेस स्मूदिंग जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी रखा था आपको फेस स्मूदिंग की वीडियो चाहिए कि नहीं, और बहुत से लोग ने बोला कि हाँ भाई चाहिए, जल्द से जल्द लाओ। और ये वीडियो पहले ही मैं बना चुका था, और मैं एक दिन पहले मैं आपको बोल दिया था कि कुछ प्रॉब्लम इशू है, इसके लिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया हूँ। तो और एक बात है, जो उन लोग ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, जाकर फॉलो कर लो, अल्फाइटिंग लिंक डिस्क्रिप्शन जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहती है। और फेसबुक के ऊपर मैंने ऑलरेडी दो चार वीडियो बनाकर रखा हूँ, लेकिन वो कुछ मायने की नहीं है। मतलब आज की स्टोरी में जो बताने वाला ट्रिक ना, वो आप लोग अगर जान जाओगे ना, तो आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे फेसबुकिंग करने के लिए। और बहुत से लोग इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करते या फिर मुझे टैग भी करते हैं, और बैकग्राउंड साथ में लोग तो बस मैच तो कर लेते फोटो को, बट वो लोग इतना मैच नहीं कर पाते हैं और फेस को भी स्मूथ नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहिए। तो आज की स्टोरी आपको यही सिखाने वाला, तो वीडियो में बन रही है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, बिल्कुल शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो लोग न्यू है चैनल को, और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। चलते हैं वीडियो तरफ एक छोटा सा इंट्रो के बाद। सो गाइस, अभी हम लोग ओपन करते हैं अपना स्नैपचैट एप्लीकेशन। ओपन करने के बाद यहाँ पर से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो आप लोग फेस देख सकते हो कितना, मतलब डॉट्स वगैरह फेस पे है हमारे, ठीक है। पिंपल तो नहीं बोलेंगे इसको, हमारे फेस पे जो खड्डा वगैरह हो जाता है ना, मतलब वही है, ठीक है। तो इसको क्लीन कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टेप जो आता है यहाँ पर से आपको, मतलब जो आपने थंबनेल में देखा येलो येलो टोन था कुछ फेस के ऊपर, मतलब रियलिस्टिक लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था वो चीज़ देखने को, तो मैं आपको वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग पेंसिल में आने के बाद यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। पोर्ट्रेट पे आ जाना है आपको सिंपली। तो पोर्ट्रेट पे आने के बाद यहाँ पर से फेस को ये अपने आप वो करेगा, कैप्चर करेगा। अभी करने के बाद आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो बिफोर आफ्टर होगा नहीं अभी, तो पहले आप लोग ने देखा था किस तरीके से नन, ठीक है। तो पहले हमारा फ़ोटो को जिस तरीके का था, हम लोग पूरा कम कर लेते हैं यहाँ पर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, नॉर्मल हमारा फ़ोटो ऐसा था। अब हमने मीडियम पे आते हैं हम लोग, मीडियम पे आने के बाद इससे कलर टोन हमारा फेस का जो चेंज हो चुका है, देखिए बिफोर आफ्टर, ठीक है। आप लोग यहाँ पर से भी और जो टोन से यहाँ पर कलर का वो सब भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर से मीडियम रखूँगा इसको, और यहाँ पर से ना मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर से जिस फेस की जो स्पॉटलाइट है ना, उसको थोड़ी सी बढ़ा दूँगा मैं। और यहाँ पर से जो सेकेंड आता है स्किन स्मूदिंग का, उसको भी कर लूँगा मैं फुल हाई रेंज पर, ठीक है, पूरा कर लूँगा हाई, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ स्नैपचैट में ही फेस को स्मूथ नहीं करने वाले, हम लोग दो एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो कि ये दूसरा हमारा पिक्सार्ड है। तो हम लोग उसके अंदर भी जाके कुछ उंगली करेंगे फेस को ऊपर, तब जाके हमारा फेस का जो एडिटिंग है जो कि हो जाने वाला है। तो मतलब यार, ये तो मतलब फेस स्मूदिंग तो ज़्यादातर मुमकिन है फोटोशॉप में, ताकि फेस स्मूदिंग रियल लगे, ठीक है। बैकग्राउंड के साथ में अगर आप लोग फोटो मैच करते हो, तो अगर आपका फेस ठीक नहीं होगा तो तब तक आपके फ़ोटो में अच्छा नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं इस तरीके से कर लिया, आप लोग देख सकते हो बिफोर आफ्टर कितना प्यारा लग रहा है और कितना कूल लग रहा है फोटो हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग स्पॉटलाइट किया है, यहाँ पर से फेस को ऊपर से डिटेलिंग भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। डिटेलिंग भी आ चुका है बिफोर आफ्टर, आप लोग देख सकते हो, डिटेलिंग का कुछ वो नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डिटेल्स पे जाऊँगा, थोड़ी सी और डिटेलिंग को बढ़ा दूँगा यहाँ पर से फेस के ऊपर की, ठीक है। तो यहाँ पर से फेस की जो डिटेल बढ़ाने के बाद आप लोग यहाँ पर से आपको दिखा देता बिफोर और आफ्टर, और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। आप यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, फ़ोटो को कर लूँगा सेव, और सेव करने के बाद मैं आपको यहाँ पर से जो एक्स्ट्रा बड़े बड़े जो दाने दिख रहे हैं ना, मतलब सॉरी होल वगैरह दिख रहे हैं फेस पे जो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्लीन करेंगे अभी। तो किस तरीके से करना है, तो हम पिक्सार्ड में ओपन करेंगे फ़ोटो को, इसको कर लेते हैं सबसे पहले सेव, ठीक है। तो फोटो को ओपन करेंगे पिक्सार्ड के अंदर, ओपन करने के बाद यहाँ पर से आपको ब्यूटी का ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन दिखने के बाद आपको क्लिक करना है उस पर, यहाँ पर से फेस फिक्स पे आ जाना है आपको सिंपली, बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और आने के बाद आपको फ़ोटो को कर लेना है जूम, और जहाँ पर आपका जो है पिंपल वगैरह जो एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पर आप देख सकते खड्डा जो बताया था आपको मैंने, ठीक है, होल वगैरह फेस पे, उसको हम लोग कर लेंगे क्लीन यहाँ पर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हम ऊपर और थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं हम लोग फेस को जो भी है, ठीक है। तो इससे क्या हमारा फ़ोटो और भी ज़्यादा स्मूथ दिखेगा, और भी ज़्यादा शार्प दिखेगा, तो हम फेस को शार्प भी करेंगे। और आपने जो देखा था फेस पे जो अपना डॉर्जन बिन इफेक्ट पड़ रहा था, वो भी आपको करके बताऊंगा पूरा वीडियो में, बिल्कुल रियल वीडियो है ये, इसको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। अगर आप लोग स्किप करते हो तो आप लोग बहुत कुछ जो एडिटिंग में मिस कर दोगे, फिर आप लोग मुझे कमेंट में बोलना नहीं कि भाई आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, आपको कुछ समझ भी नहीं आया, ठीक है। तो इसके लिए बोलूँगा कि वीडियो में पूरा बने रहो, ओके, दैट्स इट। और यहाँ पर से पूरी हैंड वगैरह जो हो, नेक, हैंड, फेस, जितना भी हमारा जो स्किन है ना, जहाँ पर भी स्किन का कलर आपको दिख रहा है, वहाँ पर हम लोग सिंपली यहाँ पर से स्मूथ कर लेंगे, ठीक है, पूरा हम लोग स्मूथ कर लेते हैं इसको, ओके, एक्स्ट्रा एरिया भी, ओके। यहाँ पर से हम लोग कर लेंगे राइट,
अब राइट करने के बाद देख सकते हैं शुरुआत का हिस्सा जो हमारा फेस के ऊपर आप लोग देख सकते हैं हेड के पास, ठीक है, सर के पास तो कितना क्लीन हो चुका है और कितना स्मूथ हो चुका है। और यहाँ पर नोज़ के पास और जो है राइट है ना, राइट हमारा गाल जो चिन है वह भी स्मूथ हो चुका है। अब जो यहाँ पर जो है मेन वगैरह जो अपना यहाँ पर जो है ये जो आप लोग देख सकते हो ना यहाँ पर है, तो इसको हम लोग को हटाना है। तो किस तरीके से हटाना है वो आपको पूरा वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर सिंपल स्मूथ पर क्लिक करेंगे और स्मूथ पर क्लिक करना आपको ये स्मूथ नहीं, ठीक है, इरेज कर लेंगे। यहाँ पर ब्रश पे जाएंगे और यहाँ पर सिंपली जूम करेंगे फोटो को और यहाँ पर जिसको स्मूथ कर लेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जिसको कर लेते हैं हम लोग स्मूथ पूरा, मैं आपको जो है क्लीन करके बताऊंगा फेस, यार कुछ टेंशन मत लो उसका। तो यहाँ पर जिसको भी कर लेते हैं स्मूथ हमारे लिप्स को जो है, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी फोटो को कर लेंगे छोटा सा और यहाँ पर हमारा थोड़ा हैंड के ऊपर भी चला लेंगे इसको, इसको भी कर लेंगे स्मूथ, ठीक है। ज़्यादातर तो स्मूथ ये काम नहीं आता हमको, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग करेंगे राइट। अब राइट करने के बाद फिर से हम लोग जाएंगे फेस फिक्स पे और जाने के बाद हम लोग यहाँ पर से इसको ऊपर चला लेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको ऊपर चलाने के बाद आप लोग जितना भी जो एरिया जो आज पहले आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा था खड्डा वगैरह, अब जो है वो सब बंद हो चुका है, ठीक है। हमने सीमेंट डाल के बंद कर दिया वो चीज़, ठीक है। तो ये होता है हमारा फेस स्मूथिंग का स्टेप था जो आपको बता रहा हूँ जो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर से कर लूँगा राइट। अब राइट करने के बाद फिर से जाऊँगा स्मूथिंग पे, जाने के बाद हम लोग जाएंगे फिर सॉरी रेजर पे जाएंगे, रेजर पे जाने के बाद हम पूरा मिठा लेंगे इसको, ठीक है। मिठाने के बाद यहाँ पर से कर लेंगे फ़ोटो को जूम, हम लोग फिर हमारे इसको ऊपर चला लेंगे, ठीक है, ताकि ये जो है पूरा बंद हो जाए। ओके, हम लोग यहाँ पर हीलिंग भी इस्तेमाल करेंगे स्नैपशीट में जाके, फिर से दोबारा से हमको स्नैपशीट में जाना ही है, ठीक है। तो हम लोग हीलिंग का भी यूज़ करेंगे उधर, तो वो भी देख लेना किस तरीके से यूज़ करना है उसका। तो यहाँ पर फिर से हम फेस पिक से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोटो को कर लेंगे जूम और यहाँ पर हम लोग इसको ऊपर चला लेंगे हमारे फेस के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से मैं चला रहा हूँ, उस तरीके से आपको फेस के ऊपर अपने चला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फेस जो है पूरा एकदम बोले ना मक्खन जैसा स्मूथ हो चुका है, ठीक है। और ये हाथ को भी कर लेते हैं स्मूथ थोड़ा सा हम लोग, और ये सब भी स्मूथ कर लेते हैं हम लोग और कर लेंगे राइट यहाँ पर से। ओके, कर लेते हैं राइट। अब राइट करने के बाद फिर से जाएंगे फेस फिक्स पे और ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप पे जाने वाले हैं, डायरेक्ट स्लांग मारेंगे सीधा बाहर की ओर। ओके, यहाँ पर से कर लेंगे राइट और यहाँ पर से और एक बार कर लेंगे राइट। ओके, अब यहाँ पर से आप लोग बिफोर और आफ्टर आपको बता देते हो किस तरीके से फ़ोटो हमारा था और किस तरीके का हो चुका है। ये था हमारा बिफोर, ये होगा बिफोर और आफ्टर, फोटो में कितना फ़र्क आ चुका है देख सकते आप लोग। वो सब जितना भी हमारा जो फेस पे आप लोग देख सकते हो, ये सब जितना भी था ना लाइन वगैरह फेस पे था, ठीक है, होल वगैरह फेस पे था ना जो होता है, वो पूरा बंद हो चुका है और बहुत क्लीन हो चुका है, ठीक है, बिफोर आफ्टर। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग जाएंगे डॉट पे, जाने के बाद कर लेंगे फोटो को सेव हमारे गैलरी पे। तो अब हम ओपन करेंगे फिर से इसको स्नैपशॉट के अंदर, तो वो बताऊँगा किस तरीके से क्या करना है। तो फोटो को स्नैपशीट में ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो आपको यहाँ पर से लाइन वगैरह दिख रहा है ना फेस के ऊपर, इसको थोड़ा सा हटा लेंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप है। और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको खाली इसको ऊपर एक खाली हाथ फेरेंगे हीलिंग में जाने के बाद यहाँ पर पेंसिल पे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको कर लेंगे इस तरीके से जिससे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा करेंगे हम लोग, ज़्यादा करेंगे तो पूरा ज़्यादा ही कैप्चर करेगा ये, तो इस तरीके से कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब हमारा हो चुका है डन एडिटिंग पूरा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिला है फोटो के ऊपर। हमारा पूरा फेस हमारा चमक रहा है, स्मूथ हो चुका है। तो बस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी लोग जान पाए इसके ट्रिक के बारे में। और मैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया।